स्वास्थ्य मंत्री सह धनबाद जिला प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता विकास योजनाओं को लेकर करेंगे डीसी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक। एसएनएमएमसीएच अस्पताल में सीटों को बढ़ाने पर हो रहा विचार। धनबाद जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर धनबाद के प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता डीसी कार्यालय में बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बैठक तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि धनबाद वह पहुंचे हैं डीसी एसएसपी निगम आयुक्त के साथ विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बढ़ाने के लिए कुछ तो अनुबंध पर लिया जा रहा है, उनमें प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में इस पर अधीक्षक और सिविल सर्जन से बात की जाएगी, कुछ समीक्षा भी करेंगे कि कितनी योजनाएं जो है अभी ऑन वे हैं, कितनी योजनाओं का निष्पादन हुआ है, कहाँ विकास के काम अवरुद्ध हैं, कहाँ काम बढ़ाने हैं आदि आदि विषय पर बातचीत भी करेंगे। और पार्टी के भी जितने हमारे पार्टी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों के साथ जो है बैठकर विचार विमर्श करेंगे कि पार्टी किस तरीके से और आगे बढ़े, मजबूती से जनता के हितों की रक्षा करें आदि विषय पर बातचीत करके फिर सीधे जमशेदपुर प्रस्थान होगा। नहीं, देखिए आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग इसमें जो फैकल्टी वगैरह की कमी हो रही थी या कुछ संसाधनों की कमी हो रही थी, उस सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है और हम लोगों ने फैकल्टी वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ को तो हमने अनुबंध पे लिया है, उसमें प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि हम हमारी जो सीट है वो सीट को और बढ़ाएं, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। जैसे जमशेदपुर में है MGM मेडिकल कॉलेज है, MGM अस्पताल है, उसमें दोनों में 500-500 बेड के अस्पताल बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से सीटों की संख्या बढ़ेगी। धनबाद में भी अभी भी मैंने बुलाया था PM से इसके निर्मल में तो अस्पताल के लोगों को, अधीक्षक को बुलाया था, CS सिविल सर्जन साहब को बुलाया था, कल उपायुक्त वगैरह को बुलाऊंगा तो इस पर विचार करूंगा।